नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक भाई की धोखे से बनी हुई फिल्म पूरे एक साल के बाद किसी फेसबुक अकाउंट पर डाल दी गई। उसकी सच्चाई क्या थी, उसके बारे में हम आपको बताने वाले थे। तो आज मैं उस पूरे मैटर के बारे में बता रहा हूँ आपको। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि उस लड़के का फेसबुक पर फिल्म अपलोड हुई तो क्यों हुई, किस कारण से हुई, क्या गलती हुई। ठीक है, सारी जानकारी आपको लास्ट तक ज़रूर मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक भाई का हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। थोड़ी जुखाम लगी हुई है और व्यस्तता के चलते कुछ दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। आज भी आप मेरी आवाज़ से महसूस कर पाएंगे, दोनों नाक बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, एक भाई का व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आता है। भाई हमें मैसेज लिखते हैं हाय, तो हम उनसे सीधा कहते हैं जी भाई बताइए। तो भाई हमसे कहते हैं कि मेरा एक साल पहले मैसेंजर से फिल्म बन गई थी, अभी अपलोड कर दिया फेसबुक में, अब तो सब देख लिया मोहल्ले में, आप बोले कि गाली देने से अपलोड नहीं करेंगे, मैंने बहुत गाली दे दिया था आपका वीडियो देख के, फिर भी वो डाल दिया। भाई ने हमसे ये कहा। देखिए, अब हम हर किसी से कहते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है, आप उन लोगों को गाली दीजिए कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधा धमका दीजिए कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना हाई रखें कि वो आपको बिल्कुल डरा ना पाए। भाई कह रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया, फिर भी उन लोगों ने मेरी फिल्म एक साल के बाद फेसबुक पर डाल दी। सोच रहे, एक साल के बाद फेसबुक पर डाल दी और अब तो सब मोहल्ले में देख लिया है, ये भाई का जवाब। अब यार, ये मेरी नज़र में तो संभव नहीं था, तो मैंने उसी हिसाब से भाई कुछ प्रश्न किया। मैंने कहा कि भाई, मेरे भाई ज्ञान मत दो, सीधा लिंक भेजो, कहाँ डाला है। देखिए यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया सवाल सुन के, क्योंकि जब हम चीज़ों को बता रहे हैं तो इतना ज्ञान देने से पहले इसको लिंक भेजना चाहिए था कि भाई देखिए यहाँ डाल दिया। क्योंकि जब ये सीधा मुझे चुनौती दे रहा है मेरे सवाल को लेके, मेरे तरीक़ों के लेके कि भाई आप जो बता रहे हैं उससे मेरा काम नहीं बना है, तो हमने कहा कि भाई ज्ञान मत दीजिए, कहाँ अपलोड किया है वो लिंक दे दीजिए। ठीक है, फिर वो कह रहे सर आपसे हिम्मत मिला आपको क्यों ज्ञान दूंगा, ये उसने कहा। ठीक है, अब भाई मुझे ये चीज़ नहीं सुननी थी, हिम्मत गई फाड़ में, क्योंकि सबसे पहले मेरा जो मूल जो मेरे टेंशन थी वो ये थी कि हुआ क्यों, तो मैं उस चीज़ को जानना चाह रहा था। मैंने भाई से कहा कि वीडियो का लिंक दिखा, कहाँ अपलोड की है, क्योंकि मेरा जो बोलने का टोन उसी समय चेंज हो गया जब उसने कहा कि मेरी एक साल के बाद फिल्म अपलोड की और अब वो गांव में मोहल्ले में सबको पता चल गई है, उन्होंने गाली भी दी, अब मेरे लिए तो असंभव चीज़ थी। तो मैं भाई उसी हिसाब से उसको कह रहा हूँ कि वीडियो का लिंक दिखा, कहाँ अपलोड की है। अब कह रहा भाई सब डिलीट कर दिया हूँ। वाह, मतलब जिस आदमी की धोखे से बनी हुई फिल्म, आदमी या मान लीजिए आपकी धोखे से बनी हुई फिल्म कहीं अपलोड हो गई और उसका लिंक आपको मिल जाए, तो क्या आप उस लिंक को डिलीट कर देंगे बिना उस वीडियो को डिलीट करवाए? आप उस लिंक को अपने पास रखेंगे और किसी ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो उस लिंक से उस वीडियो को वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से हटा सकता है। और ये कह रहा है कि मैंने सारे सबको डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, मैं कहूँगा पागल कहीं और जाकर किसी और को बना यहाँ नहीं, मैंने उससे कहा पागल कहीं और जाकर किसी और को बना यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ साला पूरा एक्सपीरियंस 5 साल के इसी तरह के लोगों को फॉलो करके बना है मेरा। पुराना चैनल था, उस पर भी 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे। ठीक है, वो बहुत पुराना चैनल था और उस पर भी मैं इन लोगों की पोल खोलता रहता, तो मुझे एक्सपीरियंस है। 40-45-50 लाख तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग आज तक मुझसे कॉन्टेक्ट करे हैं इस तरह के फ्रॉड में फंसने के बाद। 5 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे उन्होंने हमारा वीडियो देखा हो, हमसे व्हाट्सएप पे बात की हो, चाहे मैसेज पे बात की हो, कैसे भी की हो, चाहे कॉल पे बात, तो 40-50 लाख का औसत मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसने कहा कि दोस्त लोग बोल रहा है वायरल हो रहा है, देख रहे हो। अब आगे अभी तो बोला कि वहां अपलोड हो गया, क्योंकि मैं तो कॉन्फिडेंट था, तो फिर ये कह रहा है कि दोस्त लोग बोल रहा है वायरल हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर मैंने कहा कहाँ अपलोड किया है दिखाओ ना, दोस्त लोग बोल रहे हैं तो। अब दोस्त लोग तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिए आपके आज से 2 साल पहले धोखे से फिल्म बनी थी, आपने किसी अपने दोस्त को बता दिया,
अब वो तुम्हें तुम्हारे मजे लेने के लिए भी बोल सकता है कि यार तुम्हारी जो फिल्म बनी थी ना, वो चार लोगों के साथ बैठे होंगे कि देख कैसे परेशान करता हूँ। टांग खिंचाई के लिए भी तो कर सकता है तुम्हारा वही दोस्त जो जिसके जिसको तुमने बताया था 2 साल पहले कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो तुम्हारे मजे ले रहा हो, ये भी तो हो सकता है, या फिर तू हमारे मजे ले रहा है, ठीक है। श्री राम श्री राम, सॉरी सॉरी दोस्तों, श्री राम। अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ठीक है। तो ये मकसद भी इसका हो सके। अब ये कह रहा है कि मैं फेसबुक ही भी बंद कर दिया अपना। अब मैंने इससे कहा कि अगर वायरल हो रहा है तो भाई लिंक मुझे बता, हटाते हैं वहाँ से, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी फिल्म देखिए फेसबुक ट्विटर या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो इंडियन प्लेटफॉर्म है वहाँ से हटवाने की मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। पहली चीज़ वो होगी नहीं, तो मैंने इससे कहा कि चलो हो भी गई तुम लाओ। अब इससे झूठ कैसे बोला इसने वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सब तो देख लिया यार, सब तो देख लिया है सर, बोल रहा कि सर अब सब तो देख लिया, मतलब एक आदमी अब हटवाने से क्या फ़ायदा। मैं इससे कह रहा हूँ कि यार तू मुझे लिंक दे दे, मैं उसको हटा दूंगा वहाँ से जहाँ फेसबुक पर डली है। तो कह रहा सर सब तो देख लिया। अब मान लीजिए आपकी धोखे से बनी हुई फिल्म फेसबुक पर अपलोड हो, आपके गांव के कुछ लोगों ने देख लिया, क्या आप उस फिल्म को वहाँ से डिलीट नहीं करवाना चाहेंगे और लोग देखें उससे पहले? तो वो कह रहा है कि क्या सर सब तो देख लिया। सुनते जाना भी। फिर मैंने इसको जवाब दिया कि दोबारा मैसेज मत कर देना, क्योंकि मैं समझ गया। देखिए इस तरह के कुतर्की लोग कई आ जाते हैं जो अपना डर दूर करने के लिए अपने सवाल के जवाब, वैसे मान लो उन्होंने कमेंट्स किए होंगे मैं नहीं देख पाऊंगा, बट इस तरह के जो भी कमेंट्स होते हैं मैं उन मेरी नज़र उन पर जाती है। तो ये लोग इनडायरेक्टली तरह मतलब डायरेक्ट तो हमसे सवाल पूछ नहीं पाते हैं, बात नहीं हो पाती, बहुत से भाइयों की नहीं हो पाती है, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से अपने सवाल को हमारे मुँह से सुनना चाहते हैं कि हम क्या जवाब देते हैं, सिर्फ अपना वहम अपना डर दूर करने के लिए भी हो सकता। जब कह रहा कि शर्म से सर मैं से अपने घर ही नहीं जा रहा हूँ, फिर कह रहा कि शर्म से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने जब ये कहा ना दोबारा मैसेज मत करना, तभी उसका शायद मैसेज आ गया, शर्म से अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने कहा कि 1 साल बाद और वो भी फेसबुक पर कोई डाल ही नहीं सकता, इसलिए झूठ बोलने के लिए मैसेज मत करो मेरे पास, क्योंकि एक इतना लंबे समय से तक वो आपकी फिल्म को संभाल के नहीं रख सकते। मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको ये बात, ठीक है। और वो भी फेसबुक पर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने फेसबुक पर आपको लाइव डेमो करके पुराने वाले चैनल पर दिखाया था कि फेसबुक पर आपकी धोखे से बनी हुई फिल्म नहीं हो सकती, आपको कभी नहीं हो सकती। फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, डिलीट कर देगा, अगर आपने एल्गोरिदम को चकमा दे भी दिया शॉर्ट्स में रील्स में जाके स्टोरी में जाके, तो वहाँ से भी आपके वो जैसे उसको एल्गोरिदम को पकड़ में आएगा तुरंत रिमूव कर देगा, आपको वार्निंग इशू कर देगा। तो फेसबुक पर तो संभव है ही नहीं, क्या मालूम, इसलिए झूठ बोलने के मैसेज मत करो मेरे पास, ये मैंने उससे लास्ट में कहा। फिर कह रहा है कि क्या मालूम अभी सब दोस्त लोग बोल रहा है तेरा वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने फिर उससे कहा कि तुमने अपनी आंखों से फेसबुक पर देखा है क्या, अब क्या करें वो बताएं सर, घर जाने में शर्म आ रहा है, मतलब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा है। अब क्या बताएं सर मुझे घर आने में शर्म आ रही है। भाई साहब सुनो, ऐसे लोग जो झूठे हैं भाई साहब, मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि इन लोगों की इससे भी ख़तरनाक फिल्म बने और हर जगह फैल जाए, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपना सवाल हमसे डायरेक्ट नहीं पूछ पाते हैं, उसकी खुंदस के लिए इस तरह से ये हथकंडे अपनाते हैं। और बाकी मान लो इसके कमेंट्स, इसने कमेंट्स भी किए होंगे ऐसे, क्योंकि इसने कमेंट्स किए थे, जब आदमी यहाँ आके बोला तो कमेंट्स में भी इसने बोला होगा, तो वहाँ कितने लोगों का मूड ख़राब होता होगा उस कमेंट्स को पढ़ के, एकदम झूठी निहायत ही झूठी कमेंट्स को पढ़ के कितने लोगों का मूड ख़राब होता होगा, ये बताइए, फुल होता है। तो जब ऐसे लोगों को लोगों की परवाह नहीं है तो हम इनकी परवाह क्यों करें? तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने भी आए कोई कहे तो यकीन मत कीजिए उसकी बात पर, वो चीज़ संभव नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।